योगी ने सपा पर साधा निशाना, कहा महिला अपराध में समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग पाए जाते हैं। यूपी विधानसभा की कार्रवाई जारी, सदन में सीएम योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा सरकार ने राज्य के लिए काम किया। कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, राजघाट पर दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी ने नगर निगम को भंग करने की मांग की। राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे पर आम आदमी पार्टी के सांसदों का विरोध प्रदर्शन, संजय सिंह समेत कई सांसदों ने की उपराज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग। राजेंद्र नगर में हुए हादसे को लेकर छात्रों में आक्रोश, मुखर्जी नगर इलाके में विरोध प्रदर्शन किया, एसडीएम राजीव कुमार सिन्हा ने छात्रों से मुलाकात की। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद चश्मदीद हृदेश चौहान का बयान, कहा हादसे के वक्त मौजूद थे 30 से 35 बच्चे, बहुत मुश्किल से छात्रों को निकाला गया था। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद मुखर्जी नगर में छात्रों का प्रदर्शन, कलदृष्टि आईएएस की बेसमेंट को सील किया गया था। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम मशीन से 100% मिलान कराने की मांग वाली पुनर्विचार याचिका खारिज। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका, पटियाला हाउस कोर्ट आज करेगा याचिका पर सुनवाई। झारखंड के चक्रधरपुर में पटरी से उतरी ट्रेन हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं, घटनास्थल पर राहत बचाव का काम जारी। झारखंड में ट्रेन हादसे के बाद जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर, लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहा प्रशासन। झारखंड के चक्रधरपुर में हुए हादसे पर सीबीआरओ रेलवे का बयान, 80% यात्रियों को बस से ले जाया गया चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन, राहत बचाव अभियान पूरा हुआ। राहत और बचाव कार्य पूर्ण हो चुका है, अभी तक 80% यात्रियों को बसों से चक्रधरपुर स्टेशन ले जाया जा चुका है। झारखंड के चक्रधरपुर में हुए ट्रेन हादसे पर सपा नेता अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर हमला, और कहा सरकार हर चीज में बनाना चाहती है रिकॉर्ड, आम लोगों को नहीं मिल रही सुविधा, सरकार के सारे दावे गलत। तो ये कि सरकार हर चीज में रिकॉर्ड बनाना चाहती है, आखिरकार सरकार जो दावा करती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का, और इतना बड़ा बजट उनके पास है, उसके बाद भी एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, आम लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं। केरल के वायनाड में भूस्खलन की वजह से मलबे के साथ बही कई गाड़ियां, मूसलाधार बारिश से सैकड़ों की संख्या में पेड़ गिर गए। केरल में मूसलाधार बारिश की वजह से कोझिकोड वायनाड समेत 10 जिलों में बाढ़ जैसे हालात, मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम, राहत बचाव का काम जारी। वायनाड की घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख, ट्वीट कर लिखा मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं, सभी की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने वायनाड भूस्खलन पर दुख जताया, केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन को जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से राहत कार्य में मदद करने की अपील की। यूपी के रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 2 इमारतें होंगी सील, इमारतों को खाली करने के लिए प्रशासन ने दिया 7 दिन का समय। राजधानी दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर पुलिस ने 2 एजेंटों को गिरफ्तार किया, दोनों एजेंट्स पर पासपोर्ट में छेड़छाड़ करने का आरोप, आरोपियों के पास से कई फर्जी पासपोर्ट बरामद हुए। यशश्री शिंदे हत्याकांड के आरोपी दाऊद शेख को पुलिस ने हिरासत में लिया है, कर्नाटक के गुलबर्गा से नवी मुंबई पुलिस ने पकड़ा है, मुंबई लेकर आ रही है। यशश्री शिंदे हत्याकांड का सीसीटीवी आया सामने, वीडियो में यशश्री का पीछा करते नजर आया दाऊद शेख, पुलिस ने आरोपी को कर्नाटक से हिरासत में लिया। यूपी के शाहजहांपुर में डबल मर्डर से सनसनी, बड़े भाई ने छोटे भाई और उसकी बेटी को मौत के घाट उतारा, पिता और बेटे पर हत्या का आरोप है, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में जिहादियों और विद्रोहियों ने की रूस के वैगनर लड़ाकों की हत्या, 50 से ज्यादा वैगनर लड़ाकों को मौत के घाट उतारा, विद्रोहियों ने कई लड़ाकों को बंधक बनाया।
और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कि रोमियो स्क्वाड का गठन उत्तर प्रदेश में किया गया था, एंटी रोमियो स्क्वाड का, और उसको लेकर उन्होंने गंभीरता महिला सुरक्षा को लेकर जाहिर की और यह भी कहा कि सपा ने ही इसका विरोध किया था, एंटी रोमियो स्क्वाड का विरोध किया था। सीएम योगी ने सपा पर सीधे सीधे निशाना साधा है, एंटी रोमियो स्क्वाड का सपा ने विरोध किया था, ये योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर जहां कार्रवाई चल रही है कहा है, और ये भी कहा है कि महिला अपराध में सपा के लोगों का ज्यादा कनेक्शन रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के लिए 181 की एक सर्विस है और 1090 बाहर महिला संबंधी अपराध के लिए जब कोई घटना घटित होती है तो कोई महिला कॉल करती है तो उस पर तत्काल सेवा उन्हें उपलब्ध होती है। इन सबको इंटीग्रेट करने का काम भी 112 के साथ इंटीग्रेट करने, 181, 1090 और 112 को भी इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी सूचना आ रही है उस सूचना को संबंधित तक भेजने के साथ ही उसको तत्काल रिलीफ मिल सके, इसके लिए भी यहां पर कार्य किया गया है। यही नहीं, प्रदेश के अंदर एक महिला थाना हर जनपद में स्थापित करने के साथ साथ एक अतिरिक्त थाने की जिम्मेदारी भी महिला थानाध्यक्ष को उपलब्ध करवाया गया है और हर थाने में जो प्रदेश के अंदर 1585 थाने हैं, इन 1585 थानों में महिला हेल्प डेस्क घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के लिए 181 की। और सीधे ग्राउंड जीरो चलेंगे, राघवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। राघवेंद्र, बड़ा हमला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से समाजवादी पार्टी पर, अपराध और अपराधियों के को लेकर। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधा हमलावर हैं। उन्होंने बताया है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी किस तरह का अपराध था, जंगल राज था, किस तरह का उनको बढ़ावा मिलता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में यह सब नहीं होने वाला है। जिस तरह से धर्मांतरण का कानून टेबल हुआ है, यानी कि कल इस विधेयक को लाया गया है, आज इस पर चर्चा होगी, संभवतः आज ये 2-4 घंटों में यह बिल पास हो जाएगा, क्योंकि कोई संख्या में कोई दिक्कत नहीं है, सरकार इधर पूर्ण बहुमत की है, तो ये जो महत्वपूर्ण जो ये विधेयक है, जो संशोधित विधेयक आ रहा है, ये पास होगा। इसमें कड़े कानून बनाए गए हैं, कड़ा इसमें जुर्माना दिया गया। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले तौकीर मौलाना तौकीर रजा का बयान आया था, खुलेआम धर्मांतरण करने की उन्होंने तारीख बताई थी और प्रशासन शासन के लिए एक चुनौती उन्होंने पेश कर दिया था, हालांकि उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई, तमाम चीजें हुई, लेकिन इस तरह का जब यह धर्मांतरण जब कानून जब लागू होगा सख्ती के साथ, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के ऊपर अंकुश लगेगा, ऐसे लोग इसी कानून के गिरफ्त में आएंगे और धर्मांतरण चोरी चोरी ना हो सके, लोग नाम बदल कर, भेष बदल कर, अपना रूप बदल करके जिस तरह से ठगी करते हैं महिलाओं के साथ और अपराध करते हैं।